ग्वालियर की बात करते हैं। सबसे पहले डकैत गुड्डा गुर्जर, गुड्डा गुर्जर की खबर मिल रही है, गिरफ्तार हुआ है डकैत गुड्डा गुर्जर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। तो इस डकैत गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी है। गुड्डा गुर्जर गैंग के अन्य साथी फरार हो गए, तो पुलिस जंगलों में उनकी तलाश कर रही है सरगर्मी से। गुड्डा गुर्जर पर 60,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां डकैत गुड्डा गुर्जर गिरफ्तार किया गया है। डकैत गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल लाया गया। ये तस्वीर अस्पताल ले जाते समय की, तो कड़ी सुरक्षा के बीच उसे हॉस्पिटल लाया गया है। उसके बाकी साथी फरार हो गए। पुलिस और गुड्डा गुर्जर गैंग के बीच आज मुठभेड़ हुई थी। उमेश पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या अपडेट मिल रहा है? उमेश देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 60,000 का इनामी है और इसने चंबल संभाग में पूरे में आतंक मचा रखा था और सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश थे कि चंबल में कोई डकैत नहीं चाहिए। उसके बाद लगातार जो पुलिस है वो सक्रिय थी। अगर बात की जाए सोपुर की या ग्वालियर की या मुरैना की, तो लगातार तीनों जिले की जो पुलिस है वो जंगलों में लगातार सर्च कर रही थी। और आज घाटी गांव के जंगलों में आज ये मुठभेड़ हुई है। भवरपुरा जहां ये जंगली इलाका है वहां पर इस डकैत से मुठभेड़ हुई थी। शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था, इसमें डकैत के पैर में गोली लगी। हालांकि दोनों तरफ से गोलियां चली हैं और तावा तोड़ यहां फायरिंग भी हुई है। पुलिस ने गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली मारी जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। अब गुड्डा गुर्जर को ट्रामा हॉस्पिटल ग्वालियर में भर्ती किया गया है। भारी पुलिस बल मौजूद है। हालांकि अभी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 60,000 का इनामी है और यहाँ पर जो पहाड़गढ़ क्षेत्र है इसका जो क्षेत्र रहा है उसने लगातार यहाँ वारदात करता रहा है। लगातार आदिवासियों से पैसों की लूट करता रहा है, उनके जो पशु हैं उनको खोल ले जाता था और यहाँ से वारदात करके लगातार ग्वालियर क्षेत्र में या बात की जाए तो पहाड़गढ़ क्षेत्र में ही रहता था। और जो लगातार जो कार्रवाई हो रही है इसके जो आश्रयदाता थे आज 7 लोगों को। मैं रोक रहा हूँ आपको, एसपी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित सांगी जी। एसपी साहब स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी सबसे पहले तो आपको बधाई कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पुलिस के हाथ लगी, आज मुठभेड़ हुई। गुड्डा गुर्जर अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है ऐसी भी खबर मिल रही है। सर क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल? इसमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी क्षेत्र है जो कि मुरैना के सरहद पे ही है, यहाँ पे बसोटा के जंगल है, यहाँ पे इसकी उपस्थिति खबर मिली थी जिसपे ये साथ में एडिशनल एसपी क्राइम क्राइम है ऋषिकेश मीणा जी जी, तो इनकी टीम हुई है। उन्होंने बोला था तो ये फायरिंग में एक तो गुड्डा को बोल इसके साथ तीन और टिगड़ा जंगलों की तरफ गए हैं। अभी उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और इसको अभी गुड्डा जीएच में तो ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एसपी साहब आप हमारे साथ जुड़े। कुछ आवाज़ का भी प्रॉब्लम था, हालांकि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो काफ़ी है कि जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस दल वहां पहुंचा और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डीआईजी साहब जुड़ गए हैं श्रीनिवास वर्मा जी। श्रीनिवास जी स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर, डकैत गुड्डा गुर्जर जिसका आतंक इन बिहड़ों में लंबे समय से था, कई फिरौती डकैती हत्याओं के मामले उस पर दर्ज थे और आज जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस पहुंचती है। ये वो डकैत गुड्डा गुर्जर जिसका आतंक था और पैर में गोली लगी है इसके, पुलिस के साथ इसके बाकी साथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं गुड्डा गुर्जर की। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डकैत गुड्डा गुर्जर गिरफ्तार हो गया है। डकैत गुड्डा गुर्जर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। डकैत गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी है, उसके बाकी साथी फरार हो गए हैं तिगरा के जंगलों में, हालांकि वहां भी पुलिस सर्चिंग कर रही है लगातार। तो इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान गुड्डा गुर्जर को पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार करके इलाज के लिए ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में भिजवाया गया जहां कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज चालू है।
तो ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ गुड्डा गुर्जर गैंग की आमने सामने की मुठभेड़ हुई, जिसमें डकैत गुड्डा गुर्जर को पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है। एनकाउंटर रात करीब 8 बजे ये जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तब हुआ है।